नमस्कार। देखिए, जब भी कोई धुलरा में इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है तो उसके मन में कई सारे सवाल होते हैं। एक जो महत्वपूर्ण सवाल उसके मन में आता है कि भाई हम धुलरा में ही निवेश क्यों करें, हम अपने शहर, अपने गांव, अपने जिले, अपने प्रदेश में निवेश क्यों ना करें, आखिर क्या वजह है कि हम धुलरा में निवेश करें और हमें फायदा भी अच्छा हो, इन सब की वजह क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं वजहों के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार धुलरा क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है, चाहे फिर वो आपके गांव की जमीन हो, चाहे फिर वो आपके जिले की जमीन हो या फिर प्रदेश की जमीन हो, उन सब के कंपैरिजन में शायद धुलरा आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप धुलरा के ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में जब भी हम कभी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके अलावा अगर आप धुलरा में इन्वेस्टमेंट करने में इच्छुक हैं, आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो नीचे आ रहे नंबर पर आप हमसे सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, धुलरा महत्वपूर्ण क्यों है, अगर इस चीज को हम अच्छे से रिसर्च करेंगे और जानेंगे तो पता लगेगा कि धुलरा में कई सारे मेगा प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे हैं और भारत का एक लौता ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है धुलरा, जहां पर इतने सारे मेगा प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे हों। धुलरा के अलावा दूसरा कोई प्रोजेक्ट भारत में नहीं है जहां पर इतनी सारी चीजें एक साथ डेवलप हो रही हों। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं तो यहां पर एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद टू धुलरा एक्सप्रेसवे तेजी से बनकर तैयार हो रहा है, जिसकी कुल लेंथ 110 किलोमीटर की है और इसको तीन कंपनियां लगातार तेजी से बनाने का कार्य कर रही हैं और यह जो एक्सप्रेसवे है यह 2023 और 24 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की वजह से धुलरा के जमीन में जो चेंजेस आने वाले हैं, रेट में जो चेंजेस आने वाले हैं, वो वास्तव में हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो एक्सप्रेसवे है वो बेहद महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है, क्योंकि यह एक्सप्रेसवे धुलरा को अहमदाबाद से कनेक्ट करेगा और धुलरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी कनेक्ट करेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये जो एक्सप्रेसवे है एक बड़ी वजह है कि लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये जो एक्सप्रेसवे है धुलरा के बाहर, मतलब अहमदाबाद से धुलरा तक, ये लगभग 4 लेन का रहेगा, भविष्य में इसको 6 लेन से 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए जमीन जो है वो रिजर्व करके रखी गई है, लेकिन धुलरा के अंदर शायद यह 10 लेन का रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रपोजल आया था शुरुआत में ऐसा बताया गया था कि धुलरा के अंदर यह एक्सप्रेसवे 10 लेन का हो सकता है। तो यह हो गया एक्सप्रेसवे जो कि धुलरा के अंदर बनके तैयार हो रहा है। अब दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है धुलरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप समझिए, धुलरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी धुलरा के नजदीक में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बनके तैयार हो रहा है और यह जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ऐसा बताया जा रहा है कि यह है गुजरात का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जो कि धुलरा के नजदीक में बनके तैयार हो रहा है। अब आपको बता दूं कि यह जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इस पर भी काम काफी तेजी से चल रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि यह जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका फर्स्ट फेज जो है 2025-26 तक पूरी तरह कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप AAI मतलब कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इसकी पूरी डिटेल पा सकते हैं। आपको हर एक जानकारी इस एयरपोर्ट के बारे में उस गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगी। अब जिस दिन इस एयरपोर्ट का आप समझिए कि फर्स्ट फेज बनके तैयार हो जाएगा तो आप समझिए कि भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से आसपास की जमीनों में कितना प्रभाव पड़ेगा। मेरे हिसाब से जमीन की कीमत जो आज है और जब यह एयरपोर्ट जो है फर्स्ट फेज इसका ऑपरेशनल हो जाएगा तब शायद जमीनों के रेट में कई गुना का अंतर होगा जो हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस एयरपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि यह जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा ये पैसेंजर प्लस कार्गो एयरपोर्ट होगा, जिसकी वजह से यात्रियों को तो लाभ मिलेगा ही, साथ साथ बिजनेसमैन्स को भी काफी ज्यादा लाभ मिलेगा और इस एयरपोर्ट की वजह से धुलरा को बहुत ज्यादा बूस्ट अप मिलेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी का एयरपोर्ट जो है वो बड़ा साधक होगा। आप समझिए कि जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके जो डेलीगेशन आएंगे उनको धुलरा में पहुंचने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी धुलरा स्मार्ट सिटी से सीधे रूप में की जा रही है। हमने एक्सप्रेसवे के बारे में जान लिया, हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में जान लिया, अब तीसरा जो धुलरा का मेगा प्रोजेक्ट है वह है मोनोरेल। जी हाँ, मोनोरेल गुजरात का पहला प्रोजेक्ट है जो कि अहमदाबाद से धुलरा के बीच में स्थापित किया जा रहा है और यह जो प्रोजेक्ट है वो भविष्य में तैयार किया जाएगा। इसके बारे में खुद हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बताया था कि हम अहमदाबाद से धुलरा के लिए मोनोरेल को स्थापित करेंगे और ऐसा लग रहा है, मतलब जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार, कि जब यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद मोनोरेल का काम शुरू होगा। आपको बता दूं कि मोनोरेल का DPR भी तैयार हो चुका है और जल्द ही हमें लग रहा है कि इस पर काम शुरू
हो जाएगा। मोनोरेल के बाद आता है सोलर पार्क। जी हाँ, धोलेरा में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनके तैयार हो रहा है, जिस पर काम चालू है और जिसको टाटा जैसी कंपनियां बनाकर तैयार कर रही हैं। अगर आप धोलेरा जाएं तो आप भी ये सोलर पार्क देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा यह सोलर पार्क है उस जगह तक हमारी निगाह भी नहीं जा सकती। काफी बड़े एरिया में फैला है यह सोलर पार्क और तेजी से और भी ज्यादा डेवलप होता चला जा रहा है। इसकी अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो यह लगभग 5000 मेगावाट का रहेगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो धोलेरा में बनके तैयार हो रहा है। मैंने आपको धोलेरा के अंदर चार बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया। अब पांचवा जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वास्तव में वह एक धोलेरा के लिए बहुत बड़ा बूस्टअप है और जिसकी वजह से भविष्य में यह तय है कि धोलेरा के अंदर और तेजी से जमीन के रेट बढ़ेंगे, धोलेरा के अंदर और तेजी से डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि भाई धोलेरा के अंदर हर एक चीज अच्छे से स्थापित हो रही है। और जो पांचवी चीज है वह सबसे बड़ी वजह है कि धोलेरा में जमीन के रेट को एक बड़ा बूस्टअप मिलेगा। जी हाँ, यह वजह है धोलेरा में आ रही कंपनियां। आपको बता दूं कि धोलेरा में काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपना अनाउंसमेंट कर चुकी हैं और कुछ कंपनियां ग्राउंड पर काम भी शुरू कर चुकी हैं, जैसे कि टाटा, रिन्यू पावर, टॉरेंट पावर। ये ऐसी कंपनियां हैं जो धोलेरा में अपना काम कर चुकी हैं और कर रही हैं, और काफी ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो धोलेरा में भविष्य में अपना काम करेंगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, श्रेष्ठा ग्रुप, जो कि धोलेरा के अंदर गुजरात का सबसे बड़ा एजुकेशन हब स्टेब्लिश कर रहा है, जो कि आप समझिए, जो ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें विदेशी जो कॉलेजेस हैं उनकी भी ब्रांचेस आएंगी और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ पे खुलेंगे, तो धोलेरा को एजुकेशन हब बनाने की भी तैयारी की जा रही है। इसके बाद फॉक्सकॉन और वेदांता, जिसका अनाउंसमेंट रिसेंटली ही हुआ है। फॉक्सकॉन और वेदांता यहां पर 1,60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जिसका बताया जा रहा है कि यह जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा और 5 साल में पूरी तरीके से इस कंपनी को ऑपरेशनल किया जाएगा। और धोलेरा के अंदर ये पूरा वेदांता फॉक्सकॉन अपना यहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा और इसकी वजह से लगभग 1,00,000 नौकरियां निकलेंगी धोलेरा के अंदर। तो आप समझिए कि इतने बड़े बड़े नाम धोलेरा से जब जुड़ रहे हैं तो लाजमी है कि धोलेरा के जमीनों के रेट तो बढ़ेंगे ही, साथ साथ यहां पर और भी ज्यादा कंपनियां आएंगी। मैं कई बार लोगों को बता चुका हूं और आज के इस वीडियो में फिर से बता रहा हूं कि जब भी कोई बड़ी कंपनी आती है तो उसकी वजह से सपोर्टिव कंपनियां जो हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं जो उन कंपनीज को माल सप्लाई करती हैं, वो भी उस जगह के आसपास या उस जगह पे एस्टेब्लिश होती हैं। और ऐसा ही टाटा, रिन्यू पावर, वेदांता, फॉक्सकॉन, श्रेष्ठा ग्रुप आदि कंपनियों के साथ होगा कि इनकी जो सपोर्टिव कंपनियां हैं वो भी भविष्य में धोलेरा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगी और वो भी अपना यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट करेंगी, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेंगी। तो ये सारी वजह मैंने आपको बताई कि क्यों आपको धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्यों धोलेरा में लोग तेजी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज आप अगर धोलेरा की डिमांड देखेंगे तो धोलेरा में डिमांड बहुत हाई है। उस डिमांड को शायद आप लोग नकार दें, लेकिन जब आप एक्चुअल में इंक्वायरी करेंगे, एक्चुअल में धोलेरा में देखने जाएंगे, तो शायद आपको पता लगेगा कि वास्तव में धोलेरा जो 2-3 साल पहले था अब वो धोलेरा नहीं रहा, और आगे 2-3 साल बाद धोलेरा होने वाला है, ये वह धोलेरा नहीं रहेगा जो आज का धोलेरा है। इसलिए ये सही समय है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने में इच्छुक हैं तो देरी मत कीजिए। यकीन मानिए कि अगर आप धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करने में देरी करते हैं तो उसमें आपका नुकसान है। यह बात मैं पिछले 2-3 साल से लगातार बोल रहा हूं। अगर आप 2-3 साल पहले इन्वेस्टमेंट कर देते तो आज आपका जो प्रॉपर्टी का रेट होता वो कुछ और होता, और अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, अभी भी देरी नहीं हुई है, 2-3 साल बाद जो प्रॉपर्टी के रेट होंगे, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, वो हम और आप आंक भी नहीं सकते। तो देरी मत कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमसे सीधा कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।